हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हो और आप कंफ्यूज हो कि किस प्रोडक्ट के साथ आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, अगर आप न्यू कमर हो स्पेशली। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बना चुका, आप वो देख लीजिए। इस वीडियो में थोड़ा वैल्यूएशन करने की जरूरत वो करूँगा कोशिश कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा अभी ड्रैगन फ्रूट चलता है, राइट? तो ड्रैगन फ्रूट का अभी सबको पता है क्या, जब उन मार्केट में नया नया था, या तो ब्रोकली का लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। आपने देखा होगा कि लोग फॉरन में यूज़ कर रहे हैं, कंजम कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छा कंजम्पशन है, बट लोग कंफ्यूज है कि बॉईल करना है या कैसे बनाना है। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे लोगों को पता नहीं, या देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप उस प्रोडक्ट में काम कर लीजिए कि जहाँ पे लोग अवेयर है ना। फिर जब लोग अवेयर होते हैं ना, तब आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है समटाइम्स, कि हाँ जो भी उसका पेमेंट टर्म्स होगा बायर का जो भी है, और एक फिक्स मार्जिन में आप कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपका जो आप मार्केट में न्यू देना चाहते हैं, जैसे लोग पोमेग्रेनेट बेचते हैं, तो कोई कोई क्या करता है, पोमेग्रेनेट का जूस बेचता है, वैल्यू एडिड सर्विस उसमें डाल दिया, ठीक है, वैल्यूएशन कर दिया उसमें। या तो कोई मैंगो बेच रहा है तो मैंगो की स्लाइस वगैरह बना के कोई बेच रहा है, मैंगो पल्प बेच रहा है, तो इसमें नया कुछ नहीं है मैंगो पल्प में, बट आपका पैकेजिंग वगैरह ये मेजर रोल प्ले करता है। तो या तो आप उन प्रोडक्ट में एंटर कीजिए जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है और आप लोगों के हिसाब से चलिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आप उस प्रोडक्ट में काम कीजिए कि आप मार्केट में नया कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हाँ, बट नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस के चक्कर में ऐसा भी ना हो कि आपको खुद को ही नहीं पता कि वहाँ पे क्या चलता है। फॉर एग्जांपल, आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हो, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हो, आप वेगन प्रोडक्ट में हो, आप डेयरी प्रोडक्ट में हो, तो आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अगर कोई एलर्जिक हो सकता है किसी को, या कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर नया पॉइंट क्या होगा कि एक तो मैंने बताया कि लोगों को कंफ्यूज मत करो किस प्रोडक्ट में क्या है, आपको उस हिसाब से फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट में चले जाओ आप, ठीक। नाउ द सेकंड थिंग इज कि बाइंग बिहेवियर कैसा होता है कस्टमर का। ये काम करता है कि आप कंज्यूमर को जब वो बाय करता है ना, उसको एक बेस्ट प्राइस चाहिए एट मतलब गुड क्वालिटी एट गुड क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब क्वांटिटी भी ऐसे, आप ये भी मत करना कि हाँ कि हमारा एकदम ही स्टैंडर्ड वैसा है, आपको लाइक होता ना कि महंगी चीज़ आप बेच रहे हो एक उसकी क्वालिटी कम है। तो इनिशियली अगर आप नए हो तो ये चीज़ें इतना प्ले नहीं करेगा रोल, क्योंकि आपका मार्केटिंग उस लेवल का नहीं। तो एक गुड नंबर ऑफ अमाउंट आप वो दे दीजिए एट गुड प्राइस, ठीक है। अब इसके अलावा जब भी आप बायर से बात करते हो, आप ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, ये ऑलवेज रिमेंबर, बायर भी आपसे तब करेगा जब आपकी खुद की सेल्फ स्टडी इस चीज़ के ऊपर हुई हो कि उसका प्राइस क्या है फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री, जब आपका लाइक डेस्टिनेशन कंट्री होगा। उसके बाद क्वालिटी क्या है आपका, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन वगैरह वो प्राइजेस ऐड करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो चीज़ें बता सकते हो। बायर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए सो दैट ही कैन इजीली सेल दिस प्रोडक्ट इन देयर कंट्री, राइट। फिर उसका सप्लायर की रिलायबिलिटी पता होनी चाहिए आपको, रिस्क होता है तो रिस्क कवरेज कैसे कर सकते हैं आप, इसके ऊपर काम कर सकते हो। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी कंडीशंस लगती है आपकी, यहाँ तक वहाँ चाहिए, जो भी आपका इनको टर्म्स वगैरह, या तो आप उस कंट्री में कहाँ कहाँ पर क्या प्रोवाइड कर सकते हो, और उसका पेमेंट टर्म्स। तो सारी चीज़ें होने के बाद यू कैन रेडी फॉर टू एंटर यू नो इन टू द मार्केट, आपको ध्यान देगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मेरा वो प्रीवियस वाला वीडियो देख चुके हैं, तो डिटेल में पता चलेगा, तो थोड़ा इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक गाइज, थैंक यू।